हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी। दिस इज प्रणव कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज करेंगे अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में आज जो हमारा वीडियोस रहने वाला है वो पार्ट 5 रहने वाला है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग ने कवर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डिफरेंट मेथड्स, फिक्स फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट खुलता था, एक खुलता था पार्टनर करंट अकाउंट, दूसरा खुलता था कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फिक्स्ड में क्या खुलता था? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड में खुलता था पार्टनर करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या खुलता था? सिर्फ एक अकाउंट खुलता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद पार्ट 4 वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम कर रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम इससे कर रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसके नेक्स्ट क्लासेस में भी हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और मेथड्स को समझेंगे। तो चलिए, प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियोस को फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सेशन 22-23 के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्लास 12th ऑल बोर्ड, मतलब सारे बोर्ड के बच्चे प्रैकेडमी पर जुड़े हुए हैं जो क्लास 12th कॉमर्स सिस्टम में अकाउंटेंसी में क्लासेस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या है, मेन फोकस कहाँ पर है? तो आज क्वेश्चंस के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और एक मजेदार क्वेश्चंस भी है। शिव और हरी इंटर इनटू ए पार्टनर्स। देखो, क्वेश्चंस को ना बहुत ही पेशेंस से पढ़ना होगा। अब कुछ चीजों को हम साथ साथ सीखते चलेंगे। अकाउंटेंसी में क्या करना होगा ना, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ही पेशेंसली पढ़ेंगे। अटेम्प्ट करने से पहले 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़े। आप कहोगे सर एग्जाम में इतने टाइम नहीं रहता है कि सर एक क्वेश्चन को हम 2-3 बार पढ़े। आप प्रैक्टिस को इस लेवल पर डेवलप करें कि कम समय में 2-3 बार पढ़ लें, क्योंकि अटेम्प्ट एक बार करने के बाद क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ एरर होगा। और अकाउंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि बिना क्वेश्चंस अच्छे पढ़े हुए अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, सॉल्यूशंस को करते हो, तो सॉल्यूशंस में आंसरिंग राइटिंग में कहीं ना कहीं एरर हो जाता है, जिसके कारण आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट को काटना पड़ता है और उसमें सबसे ज्यादा समय आपका वेस्ट होता है। तो उस समय को बचाने के लिए हम क्यों ना सॉल्यूशंस से पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो शिव एंड हरी इंटरव्यू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2020। डेटा को ज्यादा ध्यान से देखिएगा, और नाम उतना मैटर नहीं करता है, कोई और चीज मैटर नहीं करता है, सिर्फ डेटा मैटर करता है। तो 1st अप्रैल 2020 में पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, जिसमें शिव ने 5 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया और हरी ने 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया। हरी 1 लाख एडिशनल कैपिटल लाया। कब लाया भैया? डेटा इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2020। तो हरी और शिव और हरी पहले पैसा कब लाया था? 1 अप्रैल में। फिर हरी ने एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख कब लाया? 1 जुलाई को। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? शिव हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी, उन लोगों को 5,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर क्वार्टर 4 का होता है, तो 5,000 × 4 मतलब शिव और हरी को सैलरी 20,000 मिल रहा है। सेकेंड में क्या है? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ए कैपिटल। कैपिटल कितना है? 8% पर एनम पर है। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर है और ड्राइंग 10% पर है। दैट्स क्लियर। ड्राइंग्स जो कर रहा है शिव और हरी कर रहा है, शिव कर रहा है 12,000 और हरी कर रहा है 10,000। प्रॉफिट जो हो रहा है 31st मार्च 2021 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, वो हो रहा है 1,96,000। ये दोनों एडजस्टमेंट है, ये जो पहला वाला ये दूसरा वाला एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट किए बिना जो बिफोर कह रहा है ना, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट को किए बिना पहले से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1,96,000 हो रहा है। मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,96,000 हो रहा है, वो कब हो रहा है? 31st मार्च 2021। इसका मतलब सर पीएल अप्रोप्रिएशंस जो अकाउंट खुलेगा वो आपका 31st मार्च 2021 का होगा। मतलब साफ साफ है सर, सेशन 2021 का सेशन है, मतलब 2021 का सेशन, मतलब सेशन स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 20 में और खत्म हो रहा है 31st मार्च 2021। ठीक है सर, हमें क्या क्या करना है? सर हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। और जर्नल एंट्री करने का हम बेस्ट ट्रिक आपको बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर आपको जर्नल एंट्री करना है
क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज आ गया, ध्यान से सुन लीजिए ये ट्रिक्स तो आपको जीवन में काम देगा। तो जर्नल एंट्रीज करने अगर आ गया तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, पेज को छोड़ दें। आपके पास जो डबल पेज है इस पेज में आप जर्नल एंट्री करना है तो इस पेज को छोड़ दें। आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर बना लें। आप जो लेजर यहां पर बनाते हो वो लेजर बना लें। जब ये लेजर कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा तो सेम इसको प्रिंट कर देना होता है जर्नल को, तो जर्नल इससे मिस्टेक नहीं होता है। अगर इस चीजों को आप नहीं अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप पार्ट 4 वीडियो देख लो, प्रकेडमी के प्लेलिस्ट में चल जाओ, सेशन 22-23 वाले सेशन में पार्टनरशिप में चले जाइए अकाउंटेंसी में। वहां पर हम डिटेल में बताएंगे कैसे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लेजर से जर्नल को अच्छे से कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक। ईच एंड एवरी स्टेप आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, अच्छे से कर पाओगे। तरीका यही रखना है, जब हम स्टूडेंट थे हमने भी ये तरीका अपनाया था। हो सकता है कि आप जर्नल भी कर लो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो ये ट्रिक हमने अपनाया हमें कभी गलती नहीं हुआ, हमारे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस छूटे नहीं, हमारी कोई भी जर्नल एंट्रीज मिस नहीं हुआ, हमें बहुत फायदा मिला। ये ट्रिक यूज किए हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स जो भी है ये ट्रिक को यूज किए तो उनको भी बहुत ही फायदा मिला। तो सबसे पहले आप लेजर बना ले, लेजर को प्रिंट कर ले जर्नल में, तो आपका काम आसान बन जाता है। जर्नल के बाद आपको क्या करना है सर? जर्नल के बाद डेफिनेटली है कि आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो कि एक लेजर के रूप में होगा, और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग का मैटर है, फ्लक्चुएटिंग का है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्या बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जाहिर सी बात है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने कह रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग मैथड यूज हो रहा है, और आप ऊपर में अभी देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी लिखा हुआ है, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चंस भी है। चलिए कोई बात नहीं, डेटा हमारे पास है, एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। शिव हरि के पास कितना है? शिव के पास 5 लाख, हरि के पास 2 लाख, हरि एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है 1 लाख 1 जुलाई 2020 को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। शिव हरि को सैलरी मिल रहा है 20,000, कैसे मिल रहा है? तो सर 5,000 पर क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, 5,000 × 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 8% आप इंटरेस्ट लगाइएगा, ड्राइंग्स पर 10% लगाइएगा। ड्राइंग्स सिप कर रहा है 12,000, हरी कर रहा है 10,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है 1,96,000। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले करेंगे लेजर, तब जाके करेंगे जर्नल, तो हमारा काम अच्छा होता है, तो हम तो वही ट्रिक फॉलो करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर करेंगे, तब जर्नल करेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो चलिए जर्नल की ओर मूव ऑन करते हैं, लेजर को मूव करते हैं। तो ये हमारा जर्नल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहां पर आपका डेबिट, यहां पर आपका क्रेडिट, परफॉर्मा यही रखिएगा, फॉर्मेट यही रखिएगा। और अकाउंट में सबसे बेहतरीन बात क्या होता है कि जितना प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, उतने ही स्कोर आपके एग्जाम में अच्छे होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर्स यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या है, आप क्रेडिट में लिखोगे टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया है? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, नेट प्रॉफिट जो कि 1,96,000 है। आप यहाँ पर देखो बिंग प्रॉफिट 1,96,000। फिर उसके बाद आपको जो पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा था, आपको शिव और हरि को 20,000 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सर? तो 5,000 × 4 ऊपर कैलकुलेशन किए ही थे पर क्वार्टर पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 क्यों आया? आप यहां पर देखोगे, आप जल्दी से आ जाओ क्वेश्चंस की ओर देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका है 8%, और कैपिटल कितना है सर? कैपिटल अगर देखोगे तो एक का है 5 लाख और एक का है 2 लाख। अब 5 लाख का 8% लिखा होगा तो 5,840 होता है, 5,840 है तो 40,000 हो गया, और 2 लाख का 8%, 2 लाख है ना, एक मिनट, हाँ 2 लाख का अगर आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस है, यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि 5 लाख का 8% हम डायरेक्ट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 लाख जो कैपिटल रखा वो पूरे साल रखा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ध्यान से सुनिएगा, सिव जो है 5 लाख कैपिटल जो फॉर्म में लेकर आया वो 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया, इसे के लिए 5 लाख का 8% हम लोग लेके चले। लेकिन हरी क्या किया, हरी 2 लाख लेकर के आया 1 अप्रैल को, और 1 लाख और लेकर के आ गया कब? 1 जुलाई को।
तो पहले तो हम 2 लाख का कैलकुलेशन करेंगे कब से, 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो अप्रैल से 30 जून तक कितना होगा, अप्रैल मई जून 3 महीना कैलकुलेशन होगा। तो 2 लाख का 8% 3 मंथ के लिए पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बाद में रिमेनिंग जो मंथ होगा वो 3 लाख कैपिटल्स होगा। क्यों, क्योंकि पहले से 2 लाख और 1 जुलाई को हो गया 1 लाख, मतलब 3 लाख। 3 लाख का कैलकुलेशन कब से चलेगा, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो जुलाई से 31 मार्च कितना महीना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे के पूरे 9 मंथ। तो 9 मंथ कैलकुलेशन चलेगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, आइए हम उसको वर्किंग नोट में समझाते हैं। सिप का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हुआ वो हुआ 5 लाख 8% पूरे साल, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था, 40,000 आ गया। हरी का क्या था, 2 लाख 8%, ठीक है, वो इसका कितने के लिए था, वो उसका 8%। यहाँ पर तो डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन कर दिया है, हम जो बोल रहे हैं इसका बात ये है कि आप कर लो 2 लाख का कैलकुलेशन 8% के रेट पर। तो वो कब से कब हुआ, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, क्योंकि 2 लाख हम लोग कब रखे, 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो वो आपका हो जाएगा अप्रैल मई जून 3 मंथ 3/12, ठीक है। और बाद में जून के बाद जुलाई, जुलाई में 1 लाख रुपया और ऐड हो गया, तो 2 लाख पहले सा था, 1 लाख और ऐड हो गया, तो ये हो गया 3 लाख। 3 लाख का आप 8% कर दो, अब कितना रिमेनिंग मंथ है, 9/12 आप यहां पर कर लोगे तो आपका जो सम ऑफ वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 22,000। इसको आप करके देखोगे, ये कैलकुलेशन हमें थोड़ा वेस्ट नहीं लगा, आप ये कैलकुलेशन फॉलो करो, ये आपको अच्छा भी लगेगा और अच्छा रहेगा भी। 22,000 टोटल आ गया, 22,000। तो चलिए लेजर में फिर से चलते हैं। तो लेजर में हमने क्या कर दिया, हरी का 22,000 आ गया, सम वैल्यू कितना आ गया 62,000, यहाँ पर सम वैल्यू 40,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कितना परसेंट रखे थे भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हम परसेंट रखे थे 10%। ड्राइंग कितना किए थे, 12,000 और 10,000, तो 12,000 का 10% लिखेंगे तो 1,200, 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000, 1,000, तो 1,200 और 1,000 यहां पर ले लेंगे शिवहरी का। तो शिवहरी का आ जाएगा, एक मिनट, रेट, अच्छा मंथ नहीं दिया हुआ, सॉरी, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, 10% यहाँ पर चार्ज ड्राइंग एट 10% दिया हुआ है, लेकिन पीरियड डिफाइन नहीं है कि कितने महीने के लिए ड्राइंग किया, या ये नहीं डिफाइन किया हुआ है कि कब पैसा निकाला गया शिव और हरि के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर पीरियड नहीं दिया हुआ, ध्यान से सुन लो, क्योंकि हमने 1200 1000 निकाल करके बैठ गया, ये गलती आप भी करोगे, पक्का करोगे, फर्स्ट टाइम है, गलती होती है। तो सीधा सा बात है कि यहां पर जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई पीरियड नहीं दिया रहे, सिर्फ रेट दिया रहे, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया रहे, पीरियड नहीं दिया रहे कि कब पैसा निकाला है, तो आपको पीरियड अपने मन से मान लेना है, कब मान लेना है। तो अकाउंट्स का एक फेवरेट मंथ होता है जिसको हम लोग मान के चलते हैं, वो होता है 6, चाहे वो 6% हो चाहे 6 मंथ हो, ये फेवरेट जोन होता है। क्यों 6 हम लोग लेते हैं, क्योंकि हाफ ईयर हम लोग लेकर के कंसिडर करके कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप 6 मंथ लोगे, कब लोगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई पीरियड नहीं दिया रहेगा, सिर्फ रेट दिया रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिप का कितना है, 12,000, हरी का कितना है 10,000, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, कब निकाला है पता है नहीं, तो कैलकुलेशन 6 मंथ पर करेंगे, तब जाकर के हमारा हो जाएगा। देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन सिप ड्राइंग 12,000 10% 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन हरी ड्राइंग 10,000 10% 6 मंथ, 600 500, ये आपका वर्किंग नोट हो रहा है। तो आप जाहिर सी बात है वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नीचे कीजिएगा। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, उसके नीचे किया हुआ है, तो वर्किंग नोट हमेशा सबसे नीचे होता है। तो आप जो है ये जो पेज आप बनाओगे ना, जैसे ये पेज हमने बनाया, एक जर्नल का छोड़ देना, एक लेजर का छोड़ देना, नेक्स्ट पेज फिर रहेगा उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़ देना, उसके बगल नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट करना, वर्किंग नोट लास्ट में होता है। वर्किंग नोट करते हुए आप सब चीज़ों को भरोगे, सब चीज़ को फिल करोगे, फॉर्मेट ऐसे ही बनता है, प्रेजेंटेशन ऐसे ही बनता है, इसी तरह से आपको अकाउंट से प्रेजेंटेशन बनाना होगा। वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में होगा, वर्किंग नोट पक्का करना होगा, क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन है, इसको शो करना होता है वर्किंग नोट के जरिए। तो चलिए इसका हो गया 600 और 500, टोटल कर दिए 1100। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्रेडिट ज्यादा होगा, तो 1,97,100 1,97,100 टोटल आ गया, और बैलेंसिंग फिगर आ गया 95,100। इसको हम लोग जो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सिप का हरि का कितना हो जाएगा, ये कैसे आया सर, तो हमने बताया था यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगेगा, OPSR, याद रखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो 3:2 में यहाँ पर डिवाइड होगा,
3:2 में यहाँ पर शेयरिंग होगा, 95,100 को 3:2 में आप कर लीजिए। तो सर ये क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजरिंग हो गया, लेजरिंग। अब इसी को आप जर्नल में कन्वर्ट कर दो। जर्नल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहले इस साइड डेबिट साइड वाले आइटम को उठा करके जर्नल में फॉर्मेट कर देना है, और फिर जब डेबिट साइड का काम खत्म हो जाए तब क्रेडिट साइड वाले आइटम को जाकर के जर्नल में उसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कोई आइटम छूटेगा भी नहीं, जर्नल भी सही हो जाएगा, लेजर भी सही हो जाएगा। जैसे देखिए टू वाला साहब आइटम है, टू में ऊपर था ना पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं जर्नल में कैसे किया है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग लिख लिए, क्रेडिट साइड वाला आइटम है इसको कर लिया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप पहले डेबिट वाले को खत्म करो तब क्रेडिट वाले को खत्म करो। जैसे देखो पहले तो क्रिएट करेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट टू सिप कैपिटल एंड हरी कैपिटल। नरेशन देना जरूरी है, ये आपका नरेशन है, ये बात छोटी छोटी बातें आप सीखते चलो हमारे साथ। नरेशन जरूरी है, नरेशन अगर आप नहीं करोगे तो जर्नल में मार्क्स कट जाएंगे भैया। नरेशन सैलरी ऑफ ए पार्टनर, छोटा सा नरेशन डाल दिया। नरेशन क्या होता है, नरेशन एक इंफॉर्मेशन होता है ट्रांजेक्शन का। जैसे कभी कभार क्या होता है, ट्रांजेक्शन आप कर दिए, डेबिट क्रेडिट कर दिए, लेकिन बहुत को पता नहीं चलेगा कि क्या चीज का डेबिट क्रेडिट हुआ है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है, तो नरेशन नीचे क्लियर कर देता है कि ये डेबिट क्रेडिट किस चीजों का हुआ है। तो जब हम क्रिएट करेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट टू सिप कैपिटल एंड हरी कैपिटल, तो फिर उसको नेक्स्ट में क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट को जो हम डेबिट किए उसको नीचे ला करके क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा खत्म हो जाएगा, और ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दो ट्रांजेक्शन यहाँ पर डेबिट साइड वाला खत्म हो गया, ऊपर तक क्रेडिट वाला था, फिर डेबिट साइड को उठाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रिएट किए, सी भरी में बांटे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रिएट करके क्लोज कर दिए, फिर ये डेबिट साइड का एक ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। फिर क्या किए, अब डेबिट साइड का काम खत्म हो गया, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रिएट किए, सी कैपिटल अकाउंट हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रिएट किया। अब इसको खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो ये क्रेडिट है इसको डेबिट कर देंगे, तो क्लोज हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह भी आपका क्रेडिट साइड का टाइम क्लोज हो गया। और लास्ट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट लिख दिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सिप कैपिटल हरी कैपिटल। यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बांटा था उसको लिख दिया, टू द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ मतलब यहाँ पर यह समझा कि जो प्रॉफिट हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन उसको हम ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर, एक आइटम भी नहीं छूटेगा, सब हो जाएगा। और ये जर्नल को बेहतरीन ढंग से कैसे करेंगे इसके लिए पार्ट फोर वीडियो देख लो, पार्ट फोर वीडियो इसी का देख लो, ये पार्ट फाइव है, पार्ट फोर देख लो कैसे लेजर से जर्नल किया जाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप और बढ़िया से समझाए, डिटेल में समझाए। तो आपका जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको पहले बाई बैलेंस सीडी करना होगा, बाई बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी मतलब क्या है, आपका कैपिटल बैलेंस है। तो आपको पता है कि सिप के पास कैपिटल बैलेंस कितना था, 5 लाख, और हरी के पास कितना था, 2 लाख। फिर बाई बैंक, बाई बैंक मतलब यहाँ पर ये एडिशनल कैपिटल को बता रहा है। आप फॉर्मेट अगर अच्छे से देखे हुए हो तो भैया कहीं परेशानी नहीं। अगर फॉर्मेट नहीं समझे हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो सबसे पहले पार्ट थ्री वीडियो जा करके देखो, वहां फॉर्मेट को समझो, तब आकर के यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भैया हो जाएगा लॉस। इसीलिए पार्ट थ्री और पार्ट फोर वीडियोस देख लो, तब आकर यहाँ पर क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहादुरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना बहादुरी है। कॉन्सेप्ट परमानेंट होता है, क्वेश्चन टेम्पररी होता है, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो परमानेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चन इज टेम्पररी। इसी के लिए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, वहां जाके मेहनत करो। अगर नहीं किए हो तो पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर वीडियोस को जाकर बढ़िया से देखो, तब आकर हमारे साथ क्वेश्चंस करो। आपको पता है कि हरी क्या किया था, 1 लाख एडिशनल कैपिटल आया था, इसी के लिए यहाँ पर हुआ बाय बैंक अकाउंट। फिर सैलरीज, बाय सैलरीज, ये जो साइड है ये कौन बनाता है, आपको मैंने बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनर्स बनाते हैं। तो पार्टनर्स का जो इनकम है, जो पार्टनर का इनकम एरिया वो क्रेडिट होगा, जो एक्सपेंडिचर एरिया वो डेबिट होगा। तो पार्टनर के लिए सैलरी इनकम है, तो हर सिप को 20,000, हरी को 20,000 मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है 40,000, 22,000 हो, तो आप देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 57,060 एंड 38,040, वो भी यहाँ पर आकर के नोट हो जाएगा। 31 मार्च 2021 में डेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2020, ऊपर पहले ईयर डाल दीजिएगा, फिर 1 अप्रैल लिखिएगा, 1 अप्रैल में वो बैलेंस आया था, फिर 1 जुलाई को बैलेंस आया था, और सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये 31 मार्च को होगा, साल के अंत में।
जो कैपिटल स्टार्ट हुआ था बाय बैलेंस सीडी वो 1 अप्रैल को हुआ था, तो 1 अप्रैल लिख दिया। एडिशनल कैपिटल कब आया था? 1 जुलाई को आया था, ठीक है। सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बटा था वो साल के अंत में होता है, इसलिए 31 मार्च हुआ। ड्रॉइंग भी साल के अंत में रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी साल के अंत में रहेगा 31 मार्च, लेकिन ये 2021 में होगा तो उसको ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे 31 मार्च जब आ जाएगा तो साल बदल जाएगा, तो यहाँ पर 21 हुआ, ये 2020 है, ये 2021 है, इधर भी 2021 है। 31 मार्च वाला जितना है वो साल बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है यार दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाता है, तो 31 मार्च तो अगले साल ही हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स आपने शिव ने 12,000 किया था, हरि ने 10,000 किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 600 और 500 आया था। टोटल यहाँ पर करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है, टोटल यहाँ करेंगे 6,70,060, 3,80,040, यही टोटल सेम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद 6,17,060 में से 12,600 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,04,460। और 3,80,040 में अगर हम माइनस करेंगे 10,500 को तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3,69,540, तो हमारा जाकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन चीज बनाया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जर्नल हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये लेजर हुआ। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ। तीन पूछ रहा था, तीनों बन गया। लेकिन हमने क्या बोला, हमने कैसे फॉर्मेट बनाने का, हमने बोला पहले ये जो कॉपी होगा इसका राइट साइड में है, यहाँ जर्नल बनाइएगा, यहाँ लेजर बनाइएगा। फिर कॉपी का राइट साइड दो आएगा, एक फिर इसमें बनाइएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएगा, और इसमें वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट पहले बनाइएगा क्योंकि कैलकुलेशन सबसे पहले जरूरी होता है, वर्किंग नोट बनाइएगा। फिर उसके बाद लेजर बना लीजिएगा, लेजर जैसे बन जाएगा तो जर्नल बन जाएगा, और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। और जो जो वर्किंग नोट का आपको जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन का, समझ लो कि जहां कैलकुलेशन का आएगा तो साइड में नहीं करना, आप मैथ नहीं बना रहे हो कि साइड में क्या किए, राइट कॉलम है लेफ्ट कॉलम बना लिया कैलकुलेशन कर दिया, ना। जो भी कैलकुलेशन होगा, जैसे मैथ में हम लोग रफ कैलकुलेशन करते थे ना राइट साइड में स्केल मार्जिन लेकर के, तो ये मैथ नहीं है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी चीजों का कैलकुलेशन होगा, कोई भी इंटरेस्ट का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके जितने भी कैलकुलेशन होंगे वो वर्किंग नोट में शो होना चाहिए। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके साथ साथ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर कमीशन पर डिस्कस करेंगे, और फिर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सब चीजों पर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर, इस बेसिक चैप्टर का सबसे मेन चीज ये यही सब टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इलस्ट्रेशन 5 को इग्नोर करें, क्वेश्चन पर ध्यान दें। सरिता वंदना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस कितना है, तो सरिता 4 लाख एंड वंदना इज 3 लाख रेस्पेक्टिवली। फर्म स्टार्टेड बिजनेस, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 18-19 का सेशन चलेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पहला क्या है एडजस्टमेंट, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 या 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा वो डोनेट होगा स्कूल फीस के नाम पर। तो अब तो हमको नेट प्रॉफिट देखना होगा, तो नेट प्रॉफिट का 10% निकालते हैं, अगर वो 50,000 से कम होगा तो 50,000 डोनेशन में जाएगा, अगर 50,000 ज़्यादा है तो जो ज्यादा आया सम वैल्यू वो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है 50,000 या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो ज्यादा होगा वही डोनेशन पर जाएगा। तो अगर मान लीजिए 10% आ रहा 60,000, तो 60,000 जाएगा। अगर यही 10% नेट प्रॉफिट का 40,000 आएगा तो 40,000 नहीं जाएगा, 50,000 जाएगा, क्यों, क्योंकि विच एवर इज मोर कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है, सरिता एंड वंदना मंथली सैलरी, सरिता को 10,000, वंदना को 15,000 मिल रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वो है नेट प्रॉफिट आपका 6 लाख का है। तो आप यहीं पे 10 कैलकुलेट कर लो ना, 6 लाख का 10% 60,000, 50,000 बढ़ा के 60,000 बढ़ा, 60,000 मतलब स्कूल फी डोनेशन में कितना जाएगा, 60,000 जाएगा। फिर ड्रॉइंग ऑफ सरिता एंड वंदना इज 2 लाख एंड 2,50,000, ड्रॉइंग्स कितना हो रहा है, सरिता कर रही है 2 लाख, वंदना कर रही है 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करके दे दिया, टेंशन अब उनको नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सरिता का कितना है, 10,000 फॉर सरिता एंड 12,500 फॉर वंदना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। एज्यूम करके चलना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड को कर रहा है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है इसका मतलब आप सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो फिर से बताते हैं, पार्टनर्स के अगर कैपिटल अकाउंट्स या मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर यही फिक्स होता तो वहां दो अकाउंट बनता, क्या बनता बताओ जल्दी से,
वहां बनता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। लेकिन यहां पर आपको कह रहा है क्वेश्चंस में कि आप फ्लक्चुएटिंग के मेथड को फॉलो करेंगे, साथ साथ देखो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्वेश्चंस मोटा मोटी समझ में आ गया, 4 लाख है सरिता का, वंदना 3 लाख कैपिटल लाया है। तो चलो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस है, बीएसएन अकाउंट बनाएंगे फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो 6 लाख प्रॉफिट है अभी देखे थे, 6 लाख का 10% स्कूल फी डोनेशन चला गया। सरिता का सैलरी 10,000 था, 10,000 मंथली था, यहाँ पर देखो मंथली है, मंथली 10,000 है, मंथली 10,000 तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 12, 15,000 इंटू 12 वही किए, तो 10,000 इंटू 12 120,000, वंदना 15,000 इंटू 12 180,000, टोटल 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करो, 10,000 सरिता का, 12,500 वंदना का इंटरेस्ट, सॉरी वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, कोई बड़ा बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था आपका 12%, तो सरिता का कितना कैपिटल था 4 लाख, तो 4 लाख का 12% करेंगे तो 48,000, और यहाँ पर 3 लाख है, 3 लाख का 12% करेंगे तो 36,000, तो 48,000 और 36,000 आ जाएगा, सरिता का 48,000, वंदना का 36,000, 84,000। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था 10,000 और 22,500, क्रेडिट ज्यादा है टोटल किए तो 6,22,500, इधर भी टोटल करेंगे 6,22,500, और 6,22,500 में से ये तीनों को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,78,500। अब इसको बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सरिता और वंदना में, किस रेशियो में, तो आपको पता है ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा था कि सरिता और वंदना में पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, कैपिटल रेशियो फॉलो करेंगे। कैपिटल रेशियो क्या है, 4 लाख, कैपिटल कितना है 4 लाख और 3 लाख, तो यार 4 लाख 3 लाख और आपको कैपिटल रेशियो फॉलो करना है, इसका मतलब 4:3 का रेशियो बन गया, किसका रेशियो बन गया 4:3 का, 4:3 का यहाँ पर रेशियो बन गया। तो ये 4:3 रेशियो में आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो प्रॉफिट यहाँ पर शेयर हो जाएगा। तो 1,78,500 को 4:3 में बांट लीजिए तो आपको 1,02,000 सरिता का, 76,500 वंदना का। फिर तुरंत आ जाइए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये बाई बैंक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2018 में आपका बाई बैलेंस सीडी आएगा, बाई बैलेंस सीडी, ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होता है। तो सरिता का 4 लाख था, वंदना का 3 लाख था, सैलरी 31 मार्च 2019 में आएगा, सैलरी कितना मिल रहा था 1,20,000, 1,80,000, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकाला हुआ है उसको देख लीजिए, 1,20,000, 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला हुआ है 48,000, 36,000, ड्राइंग्स पता है कि 2 लाख सरिता की थी, 2,50,000 नहीं हमें पता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर चल जाइए, देखिए 2 लाख और 2,50,000 ड्राइंग्स है सरिता एंड वंदना का, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000 सरिता का, 12,500 वंदना का, ठीक है सर, और कुछ नहीं है सर। अब है प्रॉफिट थोड़ा सा बांट लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना हुआ है, सरिता का 1,02,000 है और वंदना का है 76,500, तो ये प्रॉफिट को हम यहाँ बांट लिए, 1,02,000 ये सरिता का है, सरिता और किसका है वंदना का, वंदना, तो 1,02,000, 76,500। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल कर लिए, टोटल आया 6,70,000 और इधर टोटल आया 5,92,500, ये टोटल को यहाँ पर भी लिख देंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो जितना क्रेडिट होता है उतना डेबिट होता है। तो सर होगा क्या, इस टोटल में जितने भी ऊपर चीज़ें हैं, जितने भी आइटम जैसे सरिता के ये दोनों आइटम को लेस करेंगे तो ये बैलेंस मिल जाएगा, और वंदना के टोटल में से ये दोनों आइटम लेस करेंगे तो हमें ये बैलेंस मिल जाएगा, जिसको कहेंगे 31 मार्च 2019 में जो आएगा टू बैलेंस सीडी, सॉरी यहाँ पर मैंने सीडी लिख दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी यहाँ सीडी नहीं होगा, आपका बीडी होगा, ध्यान देखिएगा, ये बीडी है, ब्रॉड डाउन है, ये कैरी डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस होता है बीडी, मैंने पिछले बारे में भी सीडी लिख दिया था सर, हाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने सीडी लिख दिया था, माफ करें बच्चों, यहाँ पर बीडी होगा, ठीक है ये टोटल हो गया, और यहाँ पर 4:3 का रेशियो दिया गया, कैपिटल रेशियो कंट्रीब्यूटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैनेजर्स कमीशंस पार्टनर्स कमीशंस, ये दोनों कमीशन रिलेटेड टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपके साथ फिर से क्वेश्चंस करेंगे,
जिसमें ये दोनों टॉपिक इंक्लूडेड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहेगा, साथ साथ इन टॉपिकों से भी क्वेश्चंस कुछ मिक्स रहेगा। नहीं समझे, मैनेजर कमीशन है, पार्टनर कमीशन भी एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आता है। तो ये क्वेश्चंस, ये कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आ सकता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है, ये पार्ट है उसका। तो पहले टॉपिक समझोगे तब ना समझोगे कि कैसे कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक रहेगा। तो प्रैकेडमी में से लेता हूँ मैं अलविदा, प्रैकेडमी से लेता हूँ मैं अलविदा। ये आपका चैनल है, इसको आप प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, और कंटिन्यूटी में क्लासेस चल रहा है, ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। जो भी अगर कठिनाई या कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत महसूस होता है जरूर कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जा करके आप प्रैकेडमी क्लास 12th में जा करके ऐड हो जाए, जहाँ पर तमाम PDF नोट्स और वीडियोस आपको अवेलेबल होगा। कुछ भी चीज़ें आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट करें, और लास्ट में वीडियोस को देखते साथ ही अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ जाए ना, वीडियोस को तुरंत अभी लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, और बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज प्रणव कुमार शाइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर कमीशंस, जैसे ये दोनों करेंगे फिर उससे रिलेटेड हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन के टॉपिक से रिलेटेड। मतलब पहले जो टॉपिक पढ़ लिया वो टॉपिक तो रहेगा ही, इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन पार्टनर कमीशन रिलेटेड टॉपिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आप बने रहिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोविड बढ़ रहा है तो अपने और अपने परिवारों का ध्यान रखें, और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।